हेलो फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हो रॉयल ईगल, तो ये मैंने इन्फिनाइट पेंटर में बनाया हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ इतना मेटेरियल है, उसको मैंने बना के रखा हूँ। तो ये रहा लोगो, तो उसके बीच में जो वी है आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कलर भी दे सकते हैं। तो ये जो जितना मेटेरियल मैंने दिखा रहा हूँ, इसको चलिए एक बार इसका PNG क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पेन टूल है और यहाँ पर सलेट पेन है, और यहाँ पे साइज देख सकते हैं, बड़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहले एक उसका पार्ट है, उसको पहले बना लेते हैं किस तरह से मैंने माउस के सहायता से बना रहा हूँ। ध्यान दीजिए ताकि आप लोग का कुछ पार्ट छूट ना सके। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और ये इतना बन गया है, यहाँ पे जो व्हाइट डॉट दिख रहा है इसमें से उसको एडजस्ट कर सकते हैं आप जितना रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतना रख रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे, और बस इतना ये हो गया है। तो अभी इसको नीचे एक और एक पार्ट बनानी है, देख सकते हो। फिर यहाँ से मैंने नीचे से लिया ऊपर तक, फिर ऐसा थोड़ा डाउन करके फिर ऊपर का रख लिया। तो ये थोड़ा प्रेस करके रखोगे तो बराबर सेफ आ जाता है उसमें। तो इन्फिनाइट का पेंटर का यही एक खास है। और ये भी उसको भी यहाँ पे टच कर लिया हूँ, टच ज़रूर करना ये लाइन से वो लाइन तक, ताकि बीच में अगर गैप छोड़ोगे तो फिल करने का टाइम में आप लोग का जो कलर दोगे तो वो अच्छी तरीके पूरी तरीके से स्किन एक ही कलर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लेयर दिख रहा है इस पर दो बार क्लिक करके फिर उसको बीच में एक बार टैप कर लीजिए, वो पूरी तरह से फिल हो चुका है, देख सकते हो आपके सामने। तो ये वाला पार्ट है एक कंप्लीट हो गया, और एक दूसरे पार्ट भी कंप्लीट करना है आपको। तो वो कंप्लीट करने के लिए फिर यहाँ से देख सकते हो इसको साइड स्लाइड कर लेने हैं, और स्लाइड करने का थोड़ी देर बाद सब्सक्राइब जरूर कर लेने हैं, ताकि इस तरह वीडियो आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, कहीं सिखाएगा भी नहीं, कोई बताएगा ही नहीं। तो आप लोग को ये वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना। तो ये अभी दूसरे पार्ट बना रहे हैं, देख सकते हो एक पंख है। तो ये मैं स्पीड कर लिया हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक मैं रख के बनाऊँ तो वीडियो शायद 1 घंटा के ऊपर चले जाएगी, तो आप लोग को इतना तो देखोगे नहीं। तो जितना मैं स्पीड करके दिखाया हूँ आप लोग को उतना तो समझ में आएगा ही, किसी को भी आएगा। तो देख सकते हो ये यहाँ पे मैं कैसे बना रहा हूँ। तो ये इतना लगभग होने जा रहा है। तो ये जो पार्ट आप लोग को मिल जाएगा लोगों में ही, और उसको मैंने कलर देके और उसको गैलरी के अंदर PNG फॉर्मेट में सेव करके रखा हूँ। और उसको ये बनाने के लिए मिडबैंक प्रिंट है, आप लोग को अगर मिडबैंक प्रिंट के बारे में नहीं जानकारी है तो मेरे चैनल का वीडियो में देख सकते हो किस तरह टूल उसमें यूज़ किया जाता है। तो एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, इसको मैंने डायरेक्ट कलर कर दिया था लेकिन मैं नहीं किया, थोड़ा उसमें जो साइड भाग रहता है उसको थोड़ा इरेज करना पड़ता है, वो टाइम लगेगा उसको इरेज करने में, और इसके लिए मैंने ब्लैक कर दिया। तो ये एक दूसरे भाग हो रहा है जो नीचे वाला है, जो पंख बाज कह लो चाहे गल कह लो, उसका जो नीचे वाला भाग ये बन रहा है। तो आप लोग को वीडियो में बने रहिए जरूर। इसको भी थोड़ा मैं आप लोग को स्लो में दिखाया हूँ, उसके बाद मैंने स्पीड कर लिया हूँ, क्योंकि स्पीड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को इतना टाइम रोक नहीं सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ उस चीज़ को। और को भी ब्लैक फिल कर लेनी है। तो देखो, देख सकते हो इतना मैंने क्रिएट कर लिया हूँ, एक कुछ बाकी है, इसको मैंने डायरेक्ट
साइज का ज़्यादा देखे उसको मैंने थोड़ा जाड़ा करके बना लिया हूँ। ये पतले में नहीं बनाया हूँ, डायरेक्ट मोटे में बनाया हूँ उसको। ये भी कंप्लीट है, तो अभी उसका पंजा बनाने जा रहे हैं। तो उसका पंजा किस तरह से बनाते हैं ये भी आप लोग भी सीख लो, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं से भी PNG डाउनलोड नहीं हुआ है, देख सकते हो आप लोग को सामने ही बन रहा है, आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। और इसको भी इस आगे की तरह ब्लैक कर लेते हैं। पंजा तो उसमें मैंने रेड रखा हूँ, तो इतना थोड़ा मिस्टेक होगा तो यहाँ पे साइड में कोनों में थोड़ा विंडो है जो कि वो बैक हो जाएगी, देख सकते हो इतना हो गया है। और इसको भी इतना भी फिल कर लेते हैं, जो डिवाइड दिख रहा है तो पूरी डिवाइड पे मार के उसको फिल। अभी ये कंप्लीट हो गया है और मेडिबैंक पेंट ओपन कर लेना है, उसका इंटरफेस ये रहा। तो यहाँ पे जो प्लस आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके न्यू कैनवास, यहाँ पे न्यू कैनवास टैप करने के बाद यहाँ पे साइज देख सको विथ हाइट DPI जो भी उतना डाल के ओके कर लीजिए। स्क्रीन पर आ चुके हैं और जो गैलरी पे मैंने सेव किया हूँ वो पहले दिखाया रहा था ना, ये जो कलर मैंने अपने मन से कलर किया हूँ, आप लोग चाहे कुछ भी कलर दे सकते हैं। तो इसको मैंने एक कलर रखा, फिर यहाँ से ये वाला पंख ले लेते हैं। ब्लैक इसके लिए नहीं रखा क्योंकि गैलरी में जो ब्लैक चीज़ वो पूरी तरह से दिखेगा नहीं, आप लोग को समझ में नहीं आएगा कौन सा चीज़ पे मैंने क्लिक करा, मेरे को खुद को समझ में नहीं आएगा कि कौन से किस कौन सा पार्ट क्या है। तो इसके लिए मैंने उसको कलर कर रखा है, तो देख सकते हो यहाँ पंजा वही पंजा है, वो ब्लैक था उसको मैंने रेड किया हूँ। तो ये इन्फिनिट पेंटर और मेडिबैंक पेंट दोनों एप्लीकेशन में क्रिएट हुआ है, तो इन्फिनिट पेंटर में भी हो सकता है ये चीज़, लेकिन मेडिबैंक में देखने का मकसद ये है कि उसमें HD क्वालिटी मस्त दे दिए और MS क्वालिटी फटती नहीं है। तो आप लोग को थोड़ा वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जूम करूँगी तो आप लोग देख सकते हो कि ये कितनी अच्छी तरीके से बन पा रहा है। ये स्टार वगैरह और किंग वगैरह उसमें भी इसी में ही बनाया हूँ और वो टाइम वजह से मैंने उसको तो दिखाया नहीं, तो यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो। तो ये जो रिंग है उसको बैक साइड रख देते हैं और रिंग को शायद मैंने वाइट कर दूंगा क्योंकि वाइट करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे इरेज किया, देखो इतना मैं जूम किया, देखो इमेज कितना मस्त क्वालिटी आ रहा है। तो आप लोग को अगर ये PNG चाहिए तो मेरे को कमेंट जरूर करना, आप लोग पास मैं सेपरेट ही भेज दूंगी। यहाँ पे S के जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, HUIT जो भी लेटर है आप लोग को डबल लगा सकते हैं, सिंगल लगा सकते हैं। अब वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए।